नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने 5 ऐसे नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन 5ों ने वो कारनामा किया है जिसे सुनकर मुंब्रा पुलिस के भी होश उड़ गए। 5ों लड़के नाबालिग जरूर हैं, मगर ये बेहद शातिर हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये नाबालिग लड़के कहीं और के नहीं बल्कि मुंब्रा के चांद नगर अमीनाबाद कादर पैलेस के रहने वाले हैं। दरअसल इन 5ों ने मिलकर गुलाब पार्क में एक घड़ी की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इन लोगों ने बेहद ही शातिर तरीके से डुप्लीकेट चाबी बनाकर ताला खोला और लाखों का माल लेकर फरार हो गए। जब दुकान के मालिक शहीद मोहम्मद ने इसकी शिकायत मुंब्रा पुलिस स्टेशन में की तो फौरन मुंब्रा पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई। काफी छानबीन के बाद इन 5ों आरोपियों में से एक आरोपी सरफराज रियाज शेख को पुलिस ने पकड़ लिया। काफी पूछताछ के बाद आखिरकार सरफराज ने पुलिस को अपने उन 4 साथियों के भी नाम बताए जो चोरी की इस घटना में शामिल थे, जिसके बाद इन 4 आरोपियों को भी धर पकड़ की गई। इसके बाद एक एक कर सब ने चोरी की घटना का राज उगल दिया। इन आरोपियों के नाम है तारिक खलील खान, सरफराज रियाज शेख, फैजान मोहम्मद अली कुरैसी, इब्राहिम अमीर सैयद, फरहान मोहम्मद, गुलाब मेमन। ये सभी 15 से 17 वर्ष के उम्र के हैं। पुलिस ने इनके पास से 539 घड़ी बरामद की है जिसकी कीमत 1,64,860 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं इन 5ों के खिलाफ धारा 454, 457, 380 कलम 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन आरोपियों को पकड़ने में PSI अजीत बड़े, यादव पाटिल, हवलदार पिसे, राजपूत वाघमारे और हुलवान शामिल थे। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।